हेलो फ्रेंड, तो आज का मेकअप है पार्टी लुक। सो आज मैं सेल्फ मेकअप करने वाली हूँ। तो फर्स्ट मैंने टोनर अप्लाई किया है एंड देन सेकंड मॉइस्चराइजर जॉय का। सो जब तक मैं अप्लाई करूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जो जो नए मेरे वीडियो को देख रहे हैं। सो मैं अब स्विस ब्यूटी का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। सो हमारे जो भी डार्क पार्ट एरिया है सो इसे हाइड करने के लिए मैं एरेगर का करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। सो देन मैं मेकअप स्टूडियो का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्टिकी, इसलिए मैं इसे लिक्विड बनाने के लिए पैक का डुरालिंग मिक्स करके एंड अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। सो आप लोग देख ही सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर का मदद से हम अपने फेस पे ब्लेंड 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 करते रहेंगे जब तक कि हमारे फाउंडेशन अच्छे से फेस पे कवर अप नहीं हो जाते हैं। जो भी हाईलाइट पार्ट एरिया वहाँ वहाँ मैं मेकअप स्टूडियो का कंसीलर अप्लाई करूँगी। पाउडर के मदद से अपने बेस मेकअप को अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी। ये डेली लाइफ फॉरएवर 52 का सेटिंग पाउडर है। सो मैं आई मेकअप लुक करूँगी। तो फर्स्ट मैं लाइट शेड यूज़ करूँगी अपने क्रीज लाइन पे। सो स्लोली स्लोली ब्लेंड करना है। शेड अप्लाई करूंगी क्योंकि मैं स्मोकी लुक करना चाहती हूं इसलिए। उसको फील कर रही हूँ, ये पैक का शैडो है। सो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक देता है।
ये सब मैं अपने वाटर लाइन पे वाइट कलर अप्लाई करूँगी, इससे बहुत ही अच्छा आई मेकअप लुक दिखता है। मस्कारा अप्लाई करूंगी अपने आईलैशेस पे। कॉन्टोर करूंगी, ये शुगर कॉस्मेटिक मिनी ब्राउजर कॉन्टोर। लिपस्टिक अप्लाई करूंगी, सो मैं थोड़ा लाइट शेड यूज करूंगी क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गॉर्जियस लगने लगा है इसलिए। ये मेरा फाइनल लुक है, सो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।